बल्ब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, जहां एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस कन्वर्जन को करने के लिए बल्ब में फिलामेंट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हाई रेजिस्टेंस देता है। लेकिन ये कैसे हासिल किया जाता है? डेफिनेशन के अनुसार रेजिस्टेंस मटेरियल की लेंथ से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस मटेरियल की थिकनेस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए फिलामेंट एक पतला और लंबा तार होना चाहिए। जब आप बल्ब को चालू करते हैं तो इस प्रकार रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। ये फ्रिक्शन में रिजल्ट करता है। इस फ्रिक्शन के कारण फिलामेंट हीटअप हो जाता है और ग्लो करने लगता है। इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन रुको, फिलामेंट हीट करने पर मेल्ट क्यों नहीं होता? यही रीजन है कि टंगस्टन का उपयोग आमतौर पर फिलामेंट के रूप में किया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3222 डिग्री सेल्सियस होता है। इस प्रकार इनकैंडेंसेंट बल्ब ग्लो करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे मॉडर्न CFL और LED बल्ब कैसे ग्लो करते हैं। उत्तर जानने के लिए पहला कमेंट पढ़ें।